फीट से ऊपर होगा मेरे ख्याल से। लोग यहीं पे आके भाई सेल्फी लेते हैं, यही है विक्टोरिया रानी। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं किशन सहवाल और मैं आज आ चुका हूँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो कि एक कलकत्ता में पड़ता है, और आज हम वहीं आ चुके हैं और आज घूमते हैं, आप लोगों को भी घुमाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम आज आपको दिखाते हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो फिलहाल अभी बाढ़ से आपको इस तरह से नज़ारा, यहाँ पर जब आओगे कभी भी घूमने के लिए तो इस तरह से आपको नज़ारा दिखेगा, और भाई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बाढ़ से देखने। तो भाई ये रहा कोलकाता का खूबसूरत नज़ारा, और भाई ये बहुत 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 ज़्यादा ही प्रसिद्ध है ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। और कोलकाता की शान कह सकते हो आप इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट लोग भी आते हैं घूमने के लिए, जैसे दिल्ली का लाल किला और इंडिया गेट है, वैसे ही ये कलकत्ता की शान है। और यहाँ पे बहुत से देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और फेमस प्रसिद्ध जगह है, और है बहुत काफ़ी दूर में है, और है खूबसूरत नज़ारा है, आपको चारों साइड दिख रहा होगा। लोग सब बहुत दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। फिलहाल गर्मी का मौसम है, तो अभी दोपहर का समय है, तो अभी ज़्यादा दिखेंगे नहीं, और आपको तो पता होगा विदेशियों को जो पसंद नहीं पड़ता है, तो वो सब शाम और रात को निकलता है घूमने के लिए। अभी जो भी अधिकांश आपको दिखेंगे यहाँ पे टोटल इंडियन ही दिखेंगे, तो बाहर कंट्री वाले भी नहीं दिखेंगे, काहे कि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है, और आप लोगों को पता होगा बाहर वाले, इंडिया के बाहर वाले उसको धूप तो नहीं पसंद होगा, इतना धूप जो है इंडियन वाले ही झेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। दोपहर का समय है, अभी 2 बज रहे हैं अभी, अब फिर भी धूप में जैसे मैं घूम रहा हूँ धूप के साथ मज़े ले रहा हूँ, वैसे ही बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो धूप के साथ मज़े ले रहे हैं, जो भी दिख रहा है। देख लो भाई साहब, अभी अंदर टिकट कटा के भाई भीड़ लगी है, देख लो कितना, आपको दिख रहा होगा गेट पर अंदर लोग जा रहे हैं। बहुत काफ़ी लोग हैं, आते हैं फैमिली के साथ भी आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं इस जगह पे, और जगह मेरे ख्याल से अच्छा है, फैमिली के साथ भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं। और भाई गजब लग रहा है ये, एक ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं, भाई यहाँ पे सोमवार को बंद रहता है, सोमवार को मत आना अगर आप कभी भी आते हो यहाँ पर घूमने के लिए, तो बस इतना ख्याल रहना सोमवार को मत आना यहाँ पे, सोमवार को ये बंद रहता है, ऐसा तो वो बोर्ड में लिखा हुआ, नोटिस बोर्ड में सोमवार को बंद रहता है। हालांकि मेरे ख्याल से इसका पूरा ब्यौरा आपको गूगल पे मिल जाएगा, जाके अपना चेक कर लेना। और इसका रेट प्राइस है मात्र 30 रुपया, जो कि आपको एंट्री के तौर पे लिया जाएगा, बस वही लगता है, अंदर कोई चार्ज नहीं लगता, और वही 30 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। धूप बहुत है यार, मैं ठंड में जाता हूँ, उसके बाद आपसे फिर इसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो भाई अंदर जब आप आओगे
पे अच्छे खासे बैठने के लिए जगह आपको मिल जाएंगे। हालांकि अंदर का भी डेकोरेशन बढ़िया लग रहा है, पार्क अंदर का डेकोरेशन भी बढ़िया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही झकास महसूस होने वाला है। और बैठने का भी साधन झकास ही है, और जिस चीज़ को हम देखने आए थे हम उसको आज आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं। तो नज़दीक से देखने में आपको इस तरह से दिखेगा, एकदम झकास लग रहा है भाई बाहर से देखने में। तो बिना देरी किए चलते भाई साहब अंदर। अंदर आ चुके हैं हीरा मेन और अब जाने वाले हम अंदर। और जैसे ही आप अंदर आओगे तो फ्रंट में आपको देखने को ऐसा मिलेगा, और ये रहा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। पहला स्टार्टिंग मैंने जो कि इधर सिर्फ पेंटिंग है, और ये पेंटिंग उस दौर का है, और इस समय ये विक्टोरिया के राजा रानी जो भी थे रह रहे थे उसी का ये पेंटिंग। हालांकि उधर तो राज में और इस तरह का पेंटिंग बाद आपको यही सब पेंटिंग देखने को मिलेगा। और ये रहा भाई सबसे पुराना पेंटिंग, जो कि बहुत बड़ा है। इधर तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं, सिर्फ पेंटिंग है।
निकल के अब चलता हूँ दूसरी तरफ। कुछ बढ़िया चीज़ ढंग तो अंदर आओगे तो ये सब मिलेगा, इसमें सब टोटली प्रिंटिंग का सामान है। तो फाइनली दोस्तों ये रहा, शायद यही है विक्टोरिया रानी, शायद यही है। और भाई ये देखो अंदर का नज़ारा, भाई बहुत ज़्यादा हाइट है, एक कम से कम 20-40-100 150 फीट से ऊपर होगा मेरे ख्याल से। भाई अंदर आओगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब भाई ये रहा विक्टोरिया का स्टैचू, लोग यहीं पे आके भाई सेल्फी लेते हैं, यही है विक्टोरिया रानी, उस जमाने की भाई क्वीन है। और अभी चलते हैं हम ऊपर।